हेलो फ्रेंड, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो देखिए, आज मैं बहुत ही ब्यूटीफुल जेंट्स के लिए अंगूठी वाली सॉक्स बनाना बताऊंगी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। देखिए, मैं इसमें एड़ी भी बनाई हूँ और ये सॉक्स 6 नंबर से 7 नंबर साइज वालों को सॉक्स आराम से आ जाएगी। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, 50 फंदे डाल के इस तरह से ऐसे बॉर्डर बना लेना है, 2 सीधा 2 उल्टा ऐसे बॉर्डर बना लेना है। मैं एक सिलाई बना के आपको दिखा देती हूँ मैं ये बॉर्डर कैसे बनाई हूँ। तो देखिए, मैं इसमें 15 फंदे डाल दी हूँ और देखिए, ऐसे पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। ऐसे ही बॉर्डर बना ऐसे ही बॉर्डर मैं बनाई हूँ। देखिए, इस तरह से ऐसे बॉर्डर बना लेना है, 4 अंगुल का ऐसे मैं बॉर्डर बना ली हूँ। अब देखिए, 4 अंगुल बॉर्डर बनाने के बाद, फिर उसके बाद सीधा सीधा राइट साइड है, रॉन्ग साइड है। तो देखिए, सीधा सीधा पूरे फंदों को ऐसे राइट साइड से सीधा बुनना है और रॉन्ग साइड से उल्टा बुनना है। अब आ जाइए रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुनना है, राइट साइड से सीधा सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा ऐसे बुन लेना है 3 अंगुल तक। मतलब एड़ी के ऊपर जितनी आपको लंबाई चाहिए उतना ऊपर मतलब बुन लेना है, उसी हिसाब से बुनना है। और लंबा चाहिए तो मतलब 4 अंगूर बीन सकती हैं, 5 अंगूर जितनी लंबाई चाहिए एड़ी से ऊपर की। देखिए फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा मैं 2 अंगूर, देखिए इस तरह से ऐसे नापेंगे, 2 उंगली रखकर 2 अंगूर मैं बना ली हूँ और ये जो बॉर्डर है ये 4 अंगूर का है। तो इस तरह से बनाने के बाद और फंदों को 2 भागों में डिवाइड करना, 2 भागों में बांटना है। तो देखिए, 50 फंदे थे तो 25 फंदे इधर हैं, 25 फंदे इधर हैं, 25 फंदे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 फंदे हैं। अब इधर के फंदों को नहीं बुनना है, सिर्फ इधर के फंदों को बुनेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 25 फंदे हैं तो इनको 3 भागों में डिवाइड करना है, 3 भागों में बांटना है। तो देखिए, 8 8 16 8 3 24, 24 फंदे और एक फंदा तो एक्स्ट्रा है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे 24 24 सिलाइयां नहीं बुननी है तो 2 भागों में जो फंदे हैं 8 8 16 16 सिलाइयां ऊपर बुनेंगे, 16 सिलाइयां। तो देखिए, 16 सिलाइयां ऊपर ऐसे सीधा उल्टा तरफ से उल्टा उल्टा और सीधा तरफ से सीधा 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 बुन लेना है। अब देखिए, अब सीधा साइड से सीधा सीधा, अभी ये दूसरी सिलाई है, ऐसे 14 सिलाइयां और बना लेनी है। जैसे मान लीजिए 3 भागों में बांटा गया है तो 2 भागों में जितने फंदे हैं उतनी सिलाइयां बना लेनी है। तो ये देखिए दूसरी सिलाई है, ऐसे 14 सिलाइयां मतलब कि टोटल 16 सिलाइयां बनानी है। तो मैं 16 सिलाइयां बना के आपको दिखाती हूँ, सीधा तरफ से सीधा सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा उल्टा। देखिए, ये 16 सिलाइयां बुना गई है, यहाँ से यहाँ तक ये 16 सिलाइयां बनाने के बाद देखिए अब क्या करना है। अब इन फंदों को 3 भागों में बांटना है। तो देखिए, 8 8 फंदे किनारे किनारे पर रहेंगे और बीच में 9 फंदे रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे हो गए। अब देखिए, बीच वाले भी फंदे 9 फंदे बीच में रहेंगे तो 9 फंदे भी बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 9, 9वां फंदा है। तो देखिए, यहाँ पर क्या करना है, 9वें फंदे को
तो एक फंदा इधर, आठ फंदे इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर से इधर फंदों को जितने फंदे हैं एक एक फंदे करके घटाना है। तो देखिए कैसे घटाना है, इस 90 फंदे को यहाँ पर ऐसे पलट के सीधा करेंगे और इस फंदे को इधर से एक फंदा लेंगे, दो फंदों को एक साथ ऐसे बुन लेंगे। देखिए इस तरह से दो फंदों को ऐसे एक साथ बुनेंगे। फिर देखिए इधर सात फंदे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सात फंदे हैं क्योंकि एक फंदा इधर घट गया। अब देखिए फिर रॉन्ग साइड की रो, फिर इधर सात फंदों को बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए किनारे के फंदे हैं। अब देखिए बीच वाले फंदे, नौ फंदों को देखिए ऐसे बुनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आठ फंदों को बुनेंगे और इस 90 फंदे को, जो नौवा फंदा है, ये नौवा फंदा है, इसी फंदे पर ऐसे दो फंदों का एक फंदा ऐसे बना लेंगे। इस तरह से दो फंदों का एक फंदा, फिर इधर सात फंदे रह गए, 1 2 3 4 5 6 7। सात फंदे हैं। फिर देखिए इधर सात फंदे बुनेंगे, देखिए सात फंदे इधर हो गए। अब फिर बीच में फिर ऐसे आठ फंदे बुनेंगे और नौवे फंदे पर घटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हर बार ऐसे आठ फंदे बुनकर इस नवे फंदे पर, नवे फंदे पे घटाना है। एक फंदा ये वाला इधर से एक फंदा लेके घटाएंगे इस तरह से, ऐसे बैक साइड से सिलाई डाल के ऐसे एक फंदा घटा लेंगे। देखिए अब छह फंदे बच गए, बचे हैं। अब इधर भी जब आएंगे तो इधर भी नवे फंदे पर एक फंदा इधर से लेके ऐसे घटाएंगे। दोनों तरफ से ऐसे फंदे घटते जाएंगे, एक बार सीधा तरफ से घटेगा, एक बार उल्टा तरफ से। देखिए 2 3 4 5 6 फंदे हैं, सिर्फ छह फंदे बचे हैं। अब फिर छह फंदों को ऐसे बुन लेंगे उल्टा उल्टा। अब देखिए फिर आठ फंदे बुनेंगे, नवे फंदे पर फिर घटाएंगे, 1 बीच वाले फंदे हैं, 2 3 4 5 6 7 8। आठ फंदे ऐसे बनाने के बाद इस नवे फंदे पर ऐसे घटा लेना है, दो फंदों को एक साथ ऐसे बुन लेना है। इस तरफ से ऐसे दो फंदों का एक फंदा ऐसे बना लेंगे। फिर देखिए इधर छह फंदे बचे हैं, देखिए दोनों तरफ से ऐसे फंदे घटते जाएंगे, सिर्फ बीच में ही नौ फंदे रह जाएंगे। ऐसे दोनों तरफ से एक एक फंदा हर सिलाई में घटाना है। सीधा तरफ से इधर के फंदे घटेंगे और उल्टा तरफ से देखिए इधर के फंदे घट जाएंगे, बीच में सिर्फ नौ फंदे बचेंगे। तो मैं बना के आपको दिखाती हूँ पूरा। देखिए सिर्फ यहाँ पे नौ फंदे बचे हैं, तो अब इधर ऐसे जितने फंदे घटे हैं एक तरफ से उतने फंदे उठाने हैं। आठ फंदे इधर से घटे हैं और आठ फंदे इधर से, तो देखिए आठ फंदे उठा लेने हैं। इधर आठ फंदे ऐसे उठा लेंगे, देखिए इसी तरह से उठाने हैं, एक फंदा, दो, एक, तीन, ऐसे दूर दूर करके ऐसे उठाना है क्योंकि सिर्फ आठ ही फंदे उठाने हैं। तीन फंदे हो गए, चार, पांच, एक, छह, सात,
देखिए आठ फंदे ऐसे उठ गए। आठ फंदे उठने के बाद अब इधर के जितने फंदे हैं ऐसे सीधा सीधा बुन लेना है। ऐसे खींच के बुनेंगे, थोड़ा टाइट करके सभी फंदों को सीधा सीधा बना लेना है। और फिर जब उल्टी साइड आएंगे तब इधर के फंदों को उठाना रहेगा। अब देखिए रॉन्ग साइड की रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा ऐसे बुन लेना है। रॉन्ग साइड से उल्टा बुनेंगे, राइट साइड से सीधा। अब देखिए ऐसे उल्टी सिलाई बुनते हुए आ गए। अब देखिए इधर भी आठ फंदों को उठाना है। तो देखिए जितना हम पहले यहाँ पर बुने थे दो अंगुल, तो उतना छोड़ के यहाँ तक हम आठ फंदे उठाएंगे। देखिए उल्टा साइड में जिस तरह से उल्टा फंदा बुनते हैं ऐसे उठाना है। ऐसे जैसे उल्टा फंदा बुनते हैं ऐसे करके एक दो तीन चार पांच। देखिए इधर भी आठ फंदे उठ गए। अब देखिए सीधा साइड आ जाएंगे। और देखिए इस तरह से ऐसे एड़ी बन गया। इस तरह से एड़ी बनाने पर एड़ी का शेप बहुत ही अच्छा आता है। देखिए कितना प्यारा बना है। अब इसको पूरी सिलाई ऐसे सीधी सीधी बना लेना है। सीधा तरफ से पूरी सिलाई ऐसे सीधा बनाना है। अब आ जाइए रॉन्ग साइड की रो। देखिए 50 फंदे हैं तो 25 फंदों को ऐसे उल्टा उल्टा पहले बुनेंगे। दो भागों में इसको इन फंदों को बांटना है। तो 25 फंदों को इस सिलाई पे ऐसे कर लेंगे। देखिए 25 फंदे इधर हैं, 25 फंदे इधर, 25 फंदे हैं, आधा आधा फंदे। अब देखिए इस तरह से इसको ऐसे दोनों को ऐसे मोड़ लेना है। इस तरफ से रॉन्ग साइड की रो से ऐसे बुनना है। तो देखिए यहाँ पर सिलाई नहीं करनी पड़ती है। जिस तरह दस्ताने बुने जाते हैं उसी तरह से इसको भी बनाना है। अब देखिए इसमें फिर तीसरी सिलाई लगाएंगे। फिर देखिए इधर के फंद इस सिलाई के फंदों को बुनना है, इस सिलाई के फंदों को स्लिप करना है, उतारना है। तो पहले देखिए इस सिलाई के फंदे ऐसे बुनेंगे, एक फंदा ऐसे बुनेंगे, फिर इस पार्ट वाले इस सिलाई के फंदे को ऐसे बिना बुने सिलाई पे उतार लेना है। फिर देखिए अपनी तरफ वाले सिलाई के फंदों को बुनेंगे, फिर उस तरफ के सिलाई के फंदों को स्लिप करेंगे। इस तरफ के सिलाई के फंदों को बुनेंगे, एक फंदा बुनेंगे इधर वाला, उधर वाला स्लिप करेंगे। इधर वाला फंदा ऐसे बुनेंगे, उधर वाला फंदा स्लिप करेंगे, फिर इधर वाला बुनेंगे। ऐसे ही दोनों सिलाई के फंदे एक सिलाई में कर लेना है। इस तरह इधर के फंदों को बुनना है और इस सिलाई के फंदे को ऐसे बिना बुने स्लिप कर लेना है। फिर देखिए इस सिलाई के फंदे को बुनना है, इस वाले सिलाई के फंदे को बिना बुने स्लिप कर लेना है, ऐसे उतार लेना है। ऐसे ही पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। देखिए दो ही सिलाई से अब बनाना है इसको इस तरह से। अब देखिए इस फंदे को ऐसे बुनेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे। उधर वाला फंदा है, इधर वाला जो फंदा है इसको बुनेंगे। फिर उधर वाला देखिए ऐसे फंदा स्लिप करेंगे, अपनी तरफ वाले फंदे को बुनना है। उधर वाला फंदा स्लिप करना है, अपनी तरफ वाले फंदे को बुनना है। ऐसे ऐसे ही बुनना है, मतलब कि जितना पैर की लंबाई हो उतना ही ऐसे ऐसे बुनते हुए जाना है।
एड़ी से पैर अंगूठे तक की लंबाई जितनी होती है उतना लंबा इसको ऐसे ही बुनते हुए जाना है। देखिए अपनी तरफ वाले फंदे को बुनना है, उधर वाला फंदा स्लिप करना है। देखिए अगर उधर वाला फंदा बुना जाएगा तो यहाँ से सिला सिला जाएगा, इधर पता चलेगा कि ये गलत बुनाई हो रही है। इस तरह से ऐसे हाथों को इसमें डाल के ऐसे देखते रहना भी है कि कोई फंदा सिला न जाए। उधर के फंदों को अगर बुनेंगे तो फंदा सिला जाएगा। तो देखिए ऊपर मैं बुन कर दिखाती हूँ जितना लंबा चाहिए ऐसे बुनना है। देखिए एड़ी से ऊपर तक का जैसे अंगूठा तक जितनी लंबाई रहेगा एड़ी से अंगूठा तक की उतनी लंबाई ऐसे बना लेना है, पैर नाप के बनाना है। तो देखिए मैं यहाँ पर 7 अंगुल से थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाई हूँ, मतलब 8 अंगुल यहाँ पर मैं बना ली हूँ। अब देखिए अंगूठों और पंजों को बनाना है। तो देखिए एड़ी जब बनाएंगे तो राइट साइड के पैर का ये मैं जुराब बना रही हूँ। तो पहले मैं एड़ी राइट साइड में ही बनाई हूँ। अब देखिए अंगूठा निकालना है। अगर लेफ्ट का बनाएंगे तो एड़ी लेफ्ट साइड में बनानी रहेगी। और देखिए एक तरफ अंगूठा इधर निकलेगा एक पैर का और एक पैर का इधर निकलेगा। नहीं तो अगर एक ही साइड में दोनों अंगूठे हो जाएंगे तो ये जुराब एक ही पैर का बन जाएगा, दोनों जुराब एक ही पैर का बन जाएगा। तो देखिए अंगूठा बनाने के लिए देखिए यहाँ अंगूठा बनाने के लिए मैं 20 फंदे ली हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 फंदे हैं। अब देखिए इधर के फंदों को नहीं बुनना है, सिर्फ इधर के ही फंदों को बुनेंगे। जिस तरह से यहाँ पर बुनाई हुआ है उसी तरह से यहाँ पर भी बुनाई हुआ है। एक फंदा देखिए उधर वाला फंदा स्लिप करेंगे, इधर वाला फंदा बुनेंगे। इस तरह से बुनाई करने पर सिलना नहीं पड़ता है। देखिए उधर वाला फंदा स्लिप करना है, अपनी तरफ वाले फंदे को बुनना है। उधर वाले फंदे को स्लिप करना है, अपनी तरफ वाले फंदे को बुनना है, मतलब जिस तरह यहाँ नीचे बुनाया है उसी तरह से इसको भी बनाना है। देखिए इसको 20 सिलाइयाँ बना लेना है, 20 सिलाइयाँ ऐसे बुननी है। इसमें घटाना बढ़ाना नहीं है, ऐसे सिंपल ही 20 सिलाइयाँ बनानी है। तो मैं 20 सिलाइयाँ बना के आपको दिखाती हूँ। ये 20 सिलाई यहाँ यह तैयार हो गया है। 20 सिलाई बनाने के बाद देखिए क्या करना है, इस एक फंदे पर सभी फंदों को ऐसे गिरा देना है, इस तरह से ऐसे टपा देना है पूरे फंदों को, इसी के ऊपर से इस तरह से। एक एक करके सभी फंदों को ऐसे इस पे गिरा देना है, 19 फंदों को। देखिए घटाने के बाद इसको ऐसे करके बुन लेना है और फिर धागे को तोड़कर इस तरह से नॉट लगा देना है ऐसे। अब देखिए इधर पंजों को बनाना है। देखिए पंजे को बनाने के लिए यहाँ से ऐसे ऊन को इस तरह से ऊन को जोड़ लेंगे। देखिए बीच में जो थोड़ा सा होल है ऐसे इस तरह से ऊन जोड़ने पर वो देखिए होल नहीं रह जाएगा, बंद हो जाएगा। अब फिर यहाँ से बुनना है, इधर वाले फंदे को बुनेंगे उधर वाले फंदे को स्लिप करेंगे ऐसे। देखिए ऐसे ही 9 सिलाइयाँ बुन लेना है। ये 9 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब 10वीं सिलाई से देखिए इस तरफ से फंदों को घटाना है।
तो देखिए तीन फंदों को, 1 2 3, तीन फंदों को एक साथ लेके ऐसे बुन लेंगे। यहाँ पर दो फंदे घट गए, देखिए ऐसे घटाएंगे, फिर 10वीं सिलाई में, फिर 12वीं सिलाई में ऐसे तीन तीन फंदों को लेकर बुनेंगे। ऐसे देखिए इधर के सारे फंदों को ऐसे बुन लेना है, एक फंदा स्लिप करना है, इधर वाले फंदे को बुनना है। अब देखिए 11वीं सिलाई में फंदों को नहीं घटाना है, इधर इधर से फंदे नहीं घटेंगे, इधर भी ऐसे बुन लेना है, एक फंदा स्लिप करना, उधर वाले फंदे को स्लिप करना, अपनी तरफ वाले फंदे को बुनना है। अब देखिए फिर 12वीं सिलाई में भी इसी तरह से घटा लेना है, तीन फंदों को एक साथ लेकर ऐसे बुन लेंगे। दो फंदे फिर घट गए यहाँ पे, फिर देखिए 20 फंदे तक ऐसे ही घटाते जाना है। अब देखिए 14वीं सिलाई में घटाएंगे, 16वीं सिलाई में, 18वीं सिलाई में ऐसे फंदों को घटा लेंगे। देखिए यहाँ पर 20 फंदे बचे हैं, 32 फंदे थे तो यहाँ पर 20 फंदे बचे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 फंदे हैं। अब देखिए 20 लाइनें यहाँ पर भी ऐसे इसकी बुनाई हुई है, जितना यहाँ पर इसकी बुनाई हुई थी उतना ही पंजों को भी बुनना रहता है। अब देखिए 20 सिलाई कंप्लीट करने के बाद 21वीं सिलाई में फंदों को बंद कर देना है। देखिए दो दो फंदों को एक साथ लेकर ऐसे बंद करेंगे, दो फंदों को फिर एक साथ लेके ऐसे बुन लेंगे, फिर इस फंदे को इस सिलाई में लेंगे और इसको और एक फंदा और लेकर ऐसे बुन लेंगे, फिर इस फंदे को इस सिलाई में लेंगे और फिर दो फंदों को एक साथ लेके ऐसे बुनेंगे, फिर इस फंदे को इस सिलाई में लेंगे और दो फंदों को एक साथ लेकर ऐसे बुन लेंगे। देखिए इस तरह से ऐसे सभी फंदों को, जो 20 फंदे हैं, सभी फंदों को ऐसे बंद कर देना है, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और ऐसे बंद कर घटा देंगे, फिर इस फंदे को इस फंदे पर कर इस सिलाई पे करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेकर बुन लेंगे। देखिए इस तरह से पूरे फंदों को बंद कर देना है। देखिए अब एक फंदा बचा है, अब उनको ऐसे काट देंगे और काटने के बाद इसी फंदे में ऐसे करके ऐसे ये गांठ लगा देंगे, इस तरह से ऐसे नॉट लगा देंगे। देखिए इस तरह से ये सॉक्स बन के तैयार हो गया है। देखिए सिर्फ इतना ही सिलना है, तो देखिए ऐसे सुई में धागा डाल के, ऊन को डाल के यहाँ से यहाँ तक ऐसे सिलाई कर देंगे और इधर कहीं भी नहीं सिलना है। देखिए ये सिला गया है, सिलने के बाद इसको सीधा करेंगे। देखिए कितना प्यारा अंगूठे वाला सॉक्स बन के तैयार हो गया है। तो थैंक यू फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।